विधानसभा सीटों से यहाँ पहुंचे, मैं मेरे कैमरामैन पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाए आपको तस्वीरें, वो सामने कार्यक्रम स्थल है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये करीब 500 मीटर का एक रोड शो भी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो हेलीपैड बनाया गया है उस हेलीपैड से जो सभा स्थल है उसकी दूरी करीब 500 मीटर है, और वहां पर प्रधानमंत्री जो है एक छोटा सा रोड शो यानी जो कार्यकर्ता यहां पे पहुंचे हैं सभी विधानसभा सीटों से उनको संबोधित करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये प्रधानमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, दरअसल पीएम मोदी का ये छह महीने में सातवां एमपी दौरा है, और अभी तक के जितने चुनावी राज्यों में अगर हम बात करें जो नवंबर में संभावित है, पांच राज्यसभा अलग अलग राज्यों में जो चुनाव है उसमें सबसे ज्यादा दौरे पीएम ने एमपी के ही किए हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे लंबे समय से सरकार है। और बार बार ये सवाल उठते हैं कि एक चेहरे से जो एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है उसको काटने के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है खास तौर से G20 सम्मेलन के बाद जो वैश्विक नेता के तौर पर, अगर तस्वीरें भी मुमकिन हो किस तरीके की तैयारी है वो तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाते रहिए जी। थोड़ा सा बैंडविड्थ का यहाँ पे इश्यू है इसलिए हम बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे जरा सा भी हटते ही नेटवर्क हट जाता है। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पे जब सभी लोग जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ये अर्चना चिटनिस है, पूर्व मंत्री रह चुकी है, और ये सभी वीवीआईपी जो है पहुंचना शुरू हो गए। ये सामने आप डोम देखिए, ये डोम बनाए गए हैं जो करीब 42 सेक्टर में बांटे गए हैं, और इन ही डोमों में करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की गई। हर में ठीक है रवीश, आप नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल प्रधानमंत्री का संबोधन होना है, उसके लिए तैयारी है, जबरदस्त जोश हाई देख रहे हैं आप, क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, दौरे पे दौरा उनका चल रहा है, और चुनावी शंखनाद एक तरीके से लाखों कार्यकर्ताओं की भीड़ आज जुटने वाली है ऐसा दावा बीजेपी की तरफ से। जबरदस्त तैयारियां हैं और वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सजा सा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का मिशन मध्य प्रदेश, आज भोपाल में प्रधानमंत्री की मेगा रैली होने वाली है, लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक जोश भरने की कोशिश उन कार्यकर्ताओं में होंगे जो सामने खड़े चुनावों में साथ देंगे। बीजेपी का दावा है 10 लाख कार्यकर्ता जो है वो जुटने वाले हैं। चुनाव से पहले बीजेपी का एक तरीके से इसको शक्ति प्रदर्शन ही समझिए, बीजेपी ने नारा दिया है कि अब की बार 150 पार, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री का दरअसल यह कार्यक्रम है जिसमें लाखों कार्यकर्ताओं के जुटने की बात कही जा रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का भी औपचारिक समापन ही आज होने वाला है, जिसके माध्यम से लोगों के बीच जाकर अपनी उपलब्धियां, जिस तरीके की सरकार ने काम किए वो जन जन तक पहुंचाने की एक योजना दरअसल प्रधानमंत्री की थी, बीजेपी की थी। आज भोपाल में है, लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं, तो ये लगातार एमपी दौरा कर रहे हैं। 14 सितंबर को बीना में थे जहां पर उन्होंने योजनाओं की सौगात के साथ वो पहुंचे। 12 अगस्त को सागर में प्रधानमंत्री थे, 4000 करोड़ की योजनाओं का आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखा। 1 जुलाई को शहडोल में अलग अलग समुदायों से मुलाकात प्रधानमंत्री ने की थी। तो प्रधानमंत्री का एमपी दौरा 27 जून को भी रहा, भोपाल में 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं 14 अप्रैल को रीवा में थे जहां 17000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, और एक बार फिर से आज वो पहुंच रहे हैं भोपाल जहां पर जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के प्रचार की कमान संभाल ली है, तो कांग्रेस नेता कमलनाथ के खिलाफ भोपाल में पोस्टर लगे हैं जिसमें कहा गया है कि कमलनाथ को पाकिस्तान से ज्यादा लगाव है, और इस पोस्टर को लेकर कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी का जो थीम सॉन्ग था उसी थीम सॉन्ग को कांग्रेस पार्टी अपना रही है, और ये पोस्टर वॉर भी एक नई राजनीति में हिस्सा बनते हुए दिख रहा है जहां पर बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं और इमरान की फोटो लगाकर एक तरफ कमलनाथ और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह लगाए गए हैं, और यहां QR कोड भी देखिए दिया गया है जिसपे आप जब इसको स्कैन करेंगे तो इसमें किस तरह भ्रष्टाचार हुआ, कैसे उनकी सरकार रही, उनकी खामियों का वर्णन इस QR कोड में आपको। कांग्रेस का पाक प्रेम इसलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि जो थीम इनका सॉन्ग का है वो पाकिस्तान से प्रेरित, बीजेपी कह रही है कि उन्हें और कहीं का सॉन्ग नहीं मिला और जो उन्होंने अपने कैंपेन के लिए चुनावों के लिए जो सॉन्ग तैयार किया वो पाकिस्तान से प्रेरित है। देखिए मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए 40-45 साल में मेरे जीवन में तो उठाई नहीं, अब इनको पाकिस्तान नहीं मिलता इनको खालिस्तान मिल जाएगा, खालिस्तान नहीं मिलता अफगानिस्तान मिल जाएगा, हाँ ये सब उठाते ही रहेंगे। ये असलियत में जो ध्यान मोड़ना चाहते हैं